Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel and आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज SSC रेलवे बैंकिंग स्टेट PCS UGC NEET एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज और जितने भी अदर जिस भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं एंड दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाई मी नैना दुबे सो ये सुबह 7 से 8 के बीच में मिल जाती हैं कभी अगर आपको नोटिफिकेशंस ना आए तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट पे आके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो क्वेश्चन ऑफ द डे एंड आज है 29 दिसंबर तो आप मुझे बताइए भगोरिया और मांदरी ये दो लोक नृत्य है ठीक है फोक डांस के ये फॉर्म है भगोरिया और मांदरी ये दोनों तो ये किस राज्य के लोक नृत्य है ये दोनों देखो ये दोनों जो है सेम एक ही राज्य के लोक नृत्य है तो एक क्वेश्चन तो आपको मुझे ये बतानी है दूसरा है चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है मतलब क्वेश्चन हो गया दो ठीक है ये दोनों किस राज्य के लोक नृत्य है और चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है एंड तानसेन सम्मान से किन्हें नवाजा गया है ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था तो आज के बनते हैं 3 क्वेश्चन और आप कोशिश करिएगा कि तीनों के आंसर्स जो है वो कमेंट में दे पाएँ अब कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे रेलमार्ग पुल बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया है तो ये राज्य है असम एंड किसने राज्य के बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की है तो ये है मनोहर लाल खट्टर जी एंड द थर्ड वन बिजवाड़ नामक मैसेजिंग ऐप किस देश ने लॉन्च की है तो ये है तुर्कमेनिस्तान क्योंकि अभी तक वहाँ कोई भी मैसेजिंग जितनी भी ऐप होती है वैसे कुछ नहीं थी लाइक फेसबुक व्हाट्सएप सब बैन है इस देश में तो इन्होंने पहली बार अपना एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बिजवाड़ ठीक है और स्टैटिक से था कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कॉलेश्वर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है तो ये दोनों पड़ता है हरियाणा में अब हम शुरू करते हैं अपना डेली काइंड ऑफ अफेयर्स क्विज एंड हमारा पहला क्वेश्चन है किस राज्य में तीसरे द्विजिंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है ये कौन सा राज्य है जहां थर्ड एडिशन हुई है द्विजिंग महोत्सव का और ये राज्य है आपका असम ऑप्शन हो जाते हैं बी देखिए असम में ना एक चिमांग जिला है वहाँ एई नदी पड़ती है एई नदी उसके किनारे पर 27 दिसंबर को ये तीसरा द्विजिंग महोत्सव मनाया गया वो असम में मनाया गया हमारे ऑप्शन थे बी असम और यहाँ आप देख सक रहे हो इस पिक्चर से द्विजिंग महोत्सव कैसे मनाया गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस शहर में 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था वो कौन सा सिटी है जहाँ 26 एडिशन हुई है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का और ये है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर एंड देखिए ये कार्यक्रम बच्चों को उनकी रचनात्मक और विज्ञान नवाचार मतलब विज्ञान में कुछ वो इनोवेटिव हो पाए उसके क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना इस महोत्सव का उद्देश्य था और ये मनाया गया है भुवनेश्वर में और इसका उद्घाटन वहाँ मतलब वो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए और ऑप्शन हो जाते हैं ये भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है कि सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न ने किस नाम का एक रोबोट विकसित किया है मतलब सेंट्रल रेलवे के द्वारा वहाँ जो नागपुर डिवीज़न के द्वारा एक रोबोट उन्होंने विकसित किया है आप देख सक रहे हो इस पिक्चर में इन्होंने एक रोबोट विकसित किया है और पूछा जा रहा है कि इसका क्या नाम है तो रेलवे की तरफ से ये रोबोट है इसका नाम है उस्ताद ऑप्शन हो जाते हैं वो उस्ताद का फुल फॉर्म देख सकते हो अंडरगियर सर्वाइलेंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्रायर मतलब देखिए अब ये रोबोट करेगा क्या पहली बात तो ये है कि आप ये याद रखिए फर्स्ट चीज़ कि इसका उस्ताद है और उस्ताद का फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कुछ भी पूछ लिए जा सकते हैं कि यू स्टैंड फॉर या एस स्टैंड फॉर टी स्टैंड फॉर कुछ भी मतलब टी का मतलब बता दीजिए ए का मतलब बता दीजिए तो ईच वर्ड आपको ध्यान रखना है इसके ठीक है और देखो तो ये वाली रोबोट है इसमें क्या हुआ कि ये गाड़ियों की जो निचली गियर होती है ना उनकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करेगा और उन्हें मरम्मत और रखरखाव के लिए इंजीनियर को भेजेगा उसकी सारी डिटेल इस रोबोट के जरिए ठीक है इसके अलावा इसके उपयोग से जितनी भी गलतियाँ होती हैं या व्यक्तियों द्वारा जो अनदेखा हो जाता है ना वो उस तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी अब वो सारी कमी को समाप्त कर देगा तो ये है इस रोबोट के एडवांटेज जिसका नाम है उस्ताद
और ये किया गया है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के द्वारा, और ये आप रोबोट देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किसको चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज से सम्मानित किया गया है। हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू जी ने, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया, और ये है मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एन बीरेन सिंह। ऑप्शन है ए। देखिए, 26 दिसंबर को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि आप देख सकते हो पिक्चर में ये हैं एन बीरेन सिंह जी, और इन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में शासन में एक परिवर्तन लाया है बहुत ही अच्छा, जो कि उनके इतनी अच्छी इनकी उसमें नेतृत्व रही है। इस योगदान के कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन गई है? बहुत दिनों से न्यूज़ में है, फाइनली इसने अपना पहला परीक्षण किया, एंड ये है ट्रेन 18। जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं इसके बारे में, ट्रेन 18 को आधिकारिक रूप से अब भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बना दी गई है। अब इसे मतलब पूरे फाइनली अनाउंस कर दिया गया है कि हाँ, ये हमारे भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन गई है। इसके परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसकी संचालन किया गया था। ठीक है, जिसे कहा गया था कि ये सबसे तेज़ ट्रेन है हमारी इंडिया की। ये प्रीमियम शताब्दी एक्सप्रेस जो चलती हैं उसकी जगह लेगी। ये पहला परीक्षण इसका जो है बरेली और मुरादाबाद रेलवे जो खंड है उस पर हुआ। ठीक है, और भारत की पहली ये स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन रहित ट्रेन है। अब देख सक रहे हो पिक्चर में ट्रेन 18, जो कि इसमें इंजन नहीं है, पहली बार ऐसी ट्रेन आई है, एंड चेन्नई कोच फैक्ट्री ने इसे बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है राजीव सचदेवा, एंड वो तिरुवंतपुरम में दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी थे इसके पहले बैठा। अब ये एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं, और इनका नाम ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिटेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, सर्वे ऑफ रिटेल पेमेंट्स हैबिटेट्स ऑफ इंडिविजुअल किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये किया गया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे ए। इसका लाभ क्या है कि भुगतान के तौर तरीके के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, जो तो इस ऐप के तहत ये सर्वेक्षण होगा। इससे क्या होगा कि जितने भी विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से 6000 व्यक्तियों को इस सैंपल में शामिल किया जाएगा इस सर्वेक्षण में। ठीक है, जिसका उद्देश्य ये है कि जनता में जो मतलब जनता जो भुगतान कर रही है उसके तौर तरीके कैसे हैं उसे जानने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिटेट्स एंड इंडिविजुअल इस ऐप को लॉन्च किया है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनके द्वारा दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है? तो देखिए, डेल्टा रैंकिंग की जो मतलब दूसरी डेल्टा रैंकिंग जो जारी हुई है वो की गया है किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने 27 दिसंबर को महत्वाकांक्षी जो जिला परियोजना है उसकी दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। ठीक है, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि डेल्टा रैंकिंग होती क्या है, और एक बात, ये दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है। पहली जो डेल्टा रैंकिंग थी ना, ये जून 2018 में जारी की गई थी, और ये दूसरी डेल्टा रैंकिंग आपके दिसंबर 2018 में जारी की गई नीति आयोग के द्वारा। डेल्टा रैंकिंग क्या करती है ना कि देखो, ये रैंकिंग 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच जितने भी जिले हैं, तो जिले द्वारा की गई जितनी भी उनकी वृद्धिशील प्रगति है ना उसको मापेगी, एंड द सेकेंड वन, जिलों के जो स्वास्थ्य है, पोषण, शिक्षा आदि जैसे आवश्यकताएं हैं उसे मतलब जैसे मापदंडों पर वो रैंक करेगी। ठीक है, कि किस तरह से उन्हें रैंकिंग की जाए, तो ये सारी चीज़ें होती है डेल्टा रैंकिंग के अनुरूप। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन है हमारे ए। एंड नीति आयोग के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि CEO है अमिताभ कांत जी, ये हैं अमिताभ कांत, आप इन्हें पिक्चर में देख पा रहे हैं। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, मुख्यालय हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 जनवरी 2019 से एक अलग उच्च न्यायालय के आदेश जारी किए हैं? मतलब ये समझ लीजिए कि दो राज्य जो है अब उसके न्यायालय जो है ना वो अलग अलग होंगे। मतलब समझिए, देखिए
इसमें तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे। तो रामनाथ कोविंद जी ने यही कहा है कि 1 जनवरी 2019 से एक अलग उच्च न्यायालय का जो आदेश दिया है वो उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए दिया है। ऑप्शन है हमारे सी आंध्र प्रदेश। देखिए हैदराबाद में स्थित उच्च न्यायालय जो है अब तेलंगाना का उच्च न्यायालय बन जाएगा, पहले तो सेम था, तो अब ये जो है हैदराबाद में जो उच्च न्यायालय है वो तेलंगाना का ही बनेगा एंड आंध्र प्रदेश के लिए एक नए उच्च न्यायालय के निर्माण के साथ देश में अब 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे। हैदराबाद में जो है वो तेलंगाना का हो जाएगा इंडिविजुअल एंड आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय बनेगा जो कि अमरावती में काम करेगा, ये आप ध्यान रखिए। एंड आंध्र प्रदेश के बनने के साथ हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। ऑप्शन है सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंटार्कटिका में एकल ट्रैक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। एकल ट्रैक माने उन्होंने किसी की भी सहायता नहीं ली, ये अमेरिका के रहने वाले एक अमेरिकी है जिन्होंने अंटार्कटिका में एकल ट्रैक को पूरा किया है। और देखिए अंटार्कटिका को पार करने के लिए लगभग 1000 मील का सफ़र तय करने में उन्हें 54 दिन लगे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। इनका नाम है कॉलिन ओ ब्रैडी, ऑप्शन है सी कॉलिन ओ ब्रैडी। आप इन्हें इस पिक्चर में देख सक रहे हैं, ये है कॉलिन ओ ब्रैडी, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका में एकल ट्रैक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, दिल्ली में हुई मिसिज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी प्रेजेंट 2018 में किसको मिसिज इंडिया 2018 का खिताब मिला है। तो देखिए मिसिज इंडिया 2018 का खिताब मिला है दिव्या पाटीदार जोशी को, ऑप्शन है हमारे बी दिव्या पाटीदार जोशी, ये रतलाम की रहने वाली हैं, ठीक है। और इसमें जो टोटल मान लीजिए 24 पार्टिसिपेंट्स थे लास्ट में जो विभिन्न राज्यों से आए थे, तो उन्हें हराकर उन्होंने लास्टली मिसिज इंडिया 2018 का खिताब जीता है नई दिल्ली में, और ऑप्शन है बी दिव्या पाटीदार जोशी। आप इन्हें इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रही दिव्या पाटीदार जोशी जिन्होंने मिसिज इंडिया का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से 60 वर्ष और उससे मिसिज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी में मिसिज इंडिया का खिताब जीता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके रेल किराए में कितने प्रतिशत का रियायत देगा। 1 जनवरी 2019 इस नए साल से जो ट्रांसजेंडर हैं उनके किराए में जो थोड़ी रियायत मिलेगी ये मिलेगी 40% की, तो ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी 40%। एंड इसके साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक है या 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि लोअर बर्थ की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। कुछ कुछ होते हैं ना रेलवे के नियम, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन है सी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है। मतलब देखिए भूकंप आने वाली है, भूकंप के जस्ट 1 मिनट पहले ही ये सिस्टम सबको अलर्ट कर देगा ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर पाएँ कि भूकंप आने वाली है या वैसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये किया गया है IIT रुड़की के द्वारा, ऑप्शन है हमारे सी IIT रुड़की के ने इसे बनाया है, ठीक है। और देखिए ये सिस्टम जो है ना 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके का पता लगाते ही ये सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है सी IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टिहरी झील में सी प्लान चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब टिहरी झील जो कि हम जानते हैं उत्तराखंड में है टिहरी झील, ठीक है, अब वहाँ सी प्लान चलाई जाएगी। एक तरह से ये समझ लीजिए कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन को और रोमांचित बनाना है, इस उद्देश्य से वहाँ सी प्लान चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, और ये राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन है ए। आप यहाँ देख पा रहे हो उसके लिए इन्होंने कहा है कि इसमें 2.5 एकड़ ज़मीन का इंतज़ाम होगा झील के किनारे, और एक अच्छी उड़ान योजना, और ये समझ लीजिए ये जो सी प्लान चलाया जा रहा है ये उड़ान योजना के तहत ये पहल की गई है। आप यहाँ देख पा रहे हो कुछ ऐसा होगा इसका नज़ारा, सी प्लेन चलाए जाएंगे जो टिहरी झील के ऊपर, ताकि जो पर्यटन है उसे और बढ़ावा मिले, बहुत इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक देश में अगले 1 दशक से 50 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। अगले 1 दशक में कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की जो पौधे हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, और ये किस देश में होगा, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जर्नल ऑफ बॉटनी में इन्होंने एक
प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इनका ये कहना है। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें 12 प्रजाति जो है ना राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत सबसे खतरनाक श्रेणी में है। तो ये सारी चीज़ें थी और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 29 दिसंबर के, सॉरी, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।